जहां शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन कर रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीवी राव ने आज सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत गांव चांदावास से की और जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार की कार्यशैली पर कहा कि 10 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, बावजूद इसके रेवाड़ी के हालात बद से बदतर हैं, जबकि रेवाड़ी के हर मुद्दे को इन्होंने विधानसभा के पटल पर बड़ी बेबाकी से रखा। जनता इनसे इन चुनाव में हिसाब जरूर मांगेगी। चिरंजीव राव अपने जीत को लेकर 100-200 नहीं बल्कि 2000% आश्वस्त हैं। गांव चांदावास पहुंचने पर चिरंजीव राव को पगड़ी पहनाकर उन्हें विरोधियों पर जीत का प्रतीक पीतल का गदा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी और कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि कोसली की जनता ने इन्हें नकार दिया। करता मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, मैंने नौजवान साथी लड़ रहे हैं। अभी अब भाजपा प्रत्याशी भी नहीं कह रहे थे, पूरे विधानसभा की सड़कों तक कर रहे कि कहाँ सड़क जाती है। देखिए, अब जो विधायक जो कोसली से रहे हैं, उनको तरीवाड़ी से कोई सरोकार रहा नहीं। आप भी पत्रकार साथी हैं, आपने कभी उनको एक बार भी रेवाड़ी के लिए कोई बात रखते हो सुनाओ तो आप मुझे बता दो, या रेवाड़ी की कोई जनता बता दे। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जब पता ही नहीं गाँव के बारे का समस्या, उनको ये नहीं पता होगा कि ये गांव हमारा हमारे विधानसभा में है भी या नहीं, क्योंकि वो उनका सरोकार नहीं रहा। उन्होंने 5 साल जो काम किया वो भी कोसली में किया और कोसली से भी उनको नकारा गया। तो टिकट तो व्यक्ति की तभी कटती है ना जब उन्होंने अच्छा काम ना किया। अगर अच्छा काम किया होता तो उनको कोसली से टिकट मिलती, और अगर वो कोसली से टिकट मांग रहे थे तो उनकी पार्टी को उनको कोसली से टिकट देनी चाहिए थी। विधायक साहब, इससे तो हमें एक विडंबना चाहेंगे कि आपने लगातार विधानसभा में रेवाड़ी के विभिन्न मुद्दों को उठाया, बावजूद उसके आज भी रेवाड़ी की हालत बद से है। देखिए, पिछले 10 साल